वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर वाड़ीदार, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जब भी अपन अपना SSO लॉगिन करते हैं तो SSO लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर जस्ट अपने के लिए एक आवश्यक सूचना ओपन होती है। यहां पर समस्त राजकर्मी को हेतु आवश्यक सूचना, राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेपरलेस आवेदन प्रक्रिया के तहत जिला कार्यालय अधीनस्थ समस्त राज्य कार्मिकों को राज्य बीमा ऋण GPA अस्थायी या स्थायी आधारण सेवानिवृत्ति पश्चात खोले गए खातों के विरुद्ध आहरण यानी विड्रॉल हेतु आवेदन ई साइन के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना है। बिना ई साइन के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा एक स्पष्ट निर्देश है। आज सुबह ही मुझे पे मैनेजर इंफो ग्रुप से एक मैसेज प्राप्त हुआ था कि सर, SIF को ऑनलाइन विद ई साइन का वीडियो हो तो भेजें पाटीदार सर। ये मेरे नाम से ही मैसेज था पे मैनेजर इंफो ग्रुप पर। इसका रिप्लाई भी मैंने तुरंत ही दिया था कि सर फिलहाल तो नहीं, वेट एंड वॉच, फरवरी एंड तक जरूर अवेलेबल करा दूंगा, अभी पेंडिंग डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें आवश्यक होता है पेंडिंग डॉक्यूमेंट जो अपन जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने लिखा था कि OTP प्रोसेस तक तो गया था बट नो डॉक्यूमेंट पेंडिंग की वजह से बैक लेना पड़ा। इसमें यहाँ तक तो मैंने प्रोसेस किया था, OTP तक तो मैं गया था, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट पेंडिंग हुआ के कारण मुझे बैक लेना पड़ा। सर का रिप्लाई आया कि जी साहब। फिर मैंने सर को रिप्लाई दिया था कि फिर भी कल ऑल डॉक्यूमेंट पर साइन की कोशिश रहेगी सर, आल्सो पेंडिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सीन। मतलब कि यहाँ पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट कहाँ पर आता है ये भी बताया जाएगा मेरे वीडियो में। अब क्या होता है ये ई साइन? अपन लॉनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना फॉर्म होता है वो वापस आता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग के आता है कि आप ई साइन करो। यहाँ पर SIF का कहना यह है कि विदाउट ई साइन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज के वीडियो में अपन यही देखेंगे कि अपन अपने आवेदन पर ई साइन कैसे करें। जब आप अपना SSO लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर ई साइन, अगर अप्लाई किया है आपने लॉनिंग के लिए अप्लाई किया है या SIF का फाइनल क्लेम अप्लाई किया है या GPF ऋण के लिए अप्लाई किया है या NPS ऋण के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। पहले तो पेंडिंग फॉर ई साइन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, फिलहाल तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि आपको मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताऊँगा जिसको आप कैसे साइन कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मेरे पास में यहाँ पर लॉनिंग वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इसको क्लिक करके देखते हैं, ये नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको ई साइन की प्रोसेस बताने वाला हूँ। मतलब कि अगर आप GPF, SIF या किसी भी टाइप का लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में आ जाएगा। ये है यहाँ पर राज ई साइन का वो सिंबल। अगर ये सिंबल आपको अपने SSO लॉगिन पेज पर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर क्लियर रिसेंट ऐप्स में जाना है और यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें यहाँ पर ये राज ई साइन का ऐप्स आपको ढूंढ लेना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ई साइन के लिए ओपन कर देगा राज ई साइन। अब अपलोड PDF फाइल फॉर ई साइन। अब यहाँ पर अपने लिए वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है जहाँ पर अपन ने नो रिकॉर्ड देखा था, अपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ ई साइन के लिए अपलोड किया था या लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अपने पास फिलहाल नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा था वहाँ पर और अपन एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर चूज फाइल में जहाँ पर से आपके डॉक्यूमेंट बढ़ा हुआ है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, वो है फर्स्ट डिक्लेरेशन का। फर्स्ट डिक्लेरेशन को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। मैं केवल ये प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसको कर लेंगे अपन ई साइन। ई साइन के लिए प्रोसेस जैसे ही करेंगे वो फाइल अपलोड होकर के आ गई, जैसे APN नेम यहाँ पर और ये अपना डॉक्यूमेंट है ट्रांजेक्शन ID वाला और ओरिजिनल और यहाँ पर आज की डेट जैसे 18 फरवरी 2021 9:04 हुए हैं अभी। यहाँ पर एम्प्लॉय का आधार नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय का आधार नंबर। मैं केवल आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ और जैसे ही यहाँ पर आधार नंबर लिखने के बाद में इस चेकबॉक्स को आप टिक कर लेंगे, आई हर्ड बाय प्रोवाइडिंग माय कंसेंट टू द ई साइन सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ई साइन सर्विस प्रोवाइडर को आप भेज रहे हैं यहाँ पर, इसको जैसे टिक करेंगे
तो यहाँ पर रीसेंट ओटीपी यानी कि आपके आधार नंबर पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ई साइन हो जाएगा। मतलब आपके आधार से वेरीफाई करना है इसको। ई साइन का मतलब यही है कि आपका जो आधार नंबर है उसको वेरीफाई करना है, वो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है ई साइन का प्रोसेस। फिलहाल यहाँ पर ई साइन के लिए कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, नहीं वरना मैं आपको पूरी प्रोसेस इसकी करके बता देता, लेकिन यहाँ पर ई साइन आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।